आप साइट इंजीनियर हैं, क्वांटिटी सर्वेयर हैं, या फिर बिलिंग इंजीनियर हैं, या फिर बनना चाहते हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बीबीएस यानी बार बेंडिंग शेड्यूल। और बार बेंडिंग शेड्यूल का सबसे हॉट टॉपिक क्या है? आपका डेवलपमेंट लेंथ और आपकी ओवरलैपिंग लेंथ। तो जनाब आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी अपनी स्टाइल से सिंपल भाषा में, कि जो आपका डेवलपमेंट लेंथ होता है जिसको आप एनकरेज लेंथ भी बोलते हैं, और जो आपका ओवरलैपिंग लेंथ होता है इनमें क्या डिफरेंस होता है। और आपको हमेशा यही कन्फ्यूजन होता है कि सर डेवलपमेंट लेंथ कितना लेना है, ओवरलैपिंग लेंथ कितना लेना है, सभी इंजीनियर्स इसमें कन्फ्यूजन होता है और सब यही बोल रहे होते हैं 40 टाइम्स ऑफ डायमीटर ले लो, 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर ले लो, 60 टाइम्स ऑफ डायमीटर ले लो। लेकिन आज के सेशन में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आपका डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, ओवरलैपिंग लेंथ क्या होता है, जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है और जो आपकी ओवरलैपिंग लेंथ है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, वो आज आपको सीखने को मिलेगी यदि आप ये सेशन पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रिइंफोर्स लाइफ लाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। जब भी हम लोग किसी आरसीसी मेंबर का बीबीएस बनाते हैं तो उसमें हम लोग यहीं पे आके अटक रहे होते हैं कि हमें डेवलपमेंट लेंथ कितना लेना है, हमें ओवरलैपिंग लेंथ कितना लेना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ये चीज होती क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, कि जो आपका डेवलपमेंट लेंथ है जिसको आप एनकरेज लेंथ या फिर आप एलडी भी बोलते हैं, ये होता क्या है। तो मैं आपको अपनी स्टाइल में सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो क्या होती है। आप ऐसे समझिए कि एक आरसीसी मेंबर से दूसरे आरसीसी मेंबर में लोड ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए जो हम लोग लेंथ यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका डेवलपमेंट लेंथ कहलाएगा, या फिर आप उसको एनकरेज लेंथ भी बोल सकते हैं। या फिर ऐसे कहिए कि आपका स्लैब से बीम में लोड ट्रांसफर करना है, बीम से कॉलम में लोड ट्रांसफर करना है, कॉलम से फुटिंग में लोड ट्रांसफर करना है। तो एक आरसीसी मेंबर से दूसरे आरसीसी मेंबर में लोड ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए जो हम लोग लेंथ यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, आपका डेवलपमेंट लेंथ, जिसको आप एनकरेज लेंथ या फिर एलडी भी बोल सकते हैं। मैं आपको यहां पे एग्जांपल से समझाता तो आपको समझ आ जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपका ये आपका फुटिंग है, इस फुटिंग के ऊपर हमने ये कोई कॉलम बनाया हुआ है और इसमें ये आपका इस तरह से रीइंफोर्समेंट लग रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल इसमें ये आपका रीइंफोर्समेंट आ रहा है इस तरह से, यहां पे आप देखेंगे इस तरह से ये आपका रीइंफोर्समेंट लग रहा है। तो ये आपका कॉलम का रीइंफोर्समेंट है जो कि आपका नीचे जा रहा है और इस तरह से फिर ये आपका यहां पे ये ऐसा बेंड हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कॉलम से जो लोड आपका फुटिंग में ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो आपका इस लेंथ के थ्रू हो रहा है। ये देखेंगे ये जो आपका लेंथ है इसके थ्रू आपका लोड कॉलम से फुटिंग में ट्रांसफर हो रहा है, तो यही लेंथ आपका क्या कहलाएगा, यही आपका डेवलपमेंट लेंथ कहलाएगा। इसी को आप एनकरेज लेंथ और एलडी बोल सकते हैं। यही वो लेंथ है जिसके थ्रू आपका कॉलम से बीम में लोड ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका एलडी। ये हमारा एलडी है। इसी तरह से आपका बीम से कॉलम में लोड ट्रांसफर होता है तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये आपका बीम है, तो बीम से जो कॉलम में लोड ट्रांसफर हो रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये बीम में आपका इस तरह से रीइंफोर्समेंट आ रहा है और ये जो आप देख पा रहे हैं ये, तो ये जो आपका सरिया है यहां से ले, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, ये जो रीइंफोर्समेंट आप यहां से देख रहे हैं, बीम का जो सरिया आपके कॉलम के अंदर एनकरेज करेगा और जिसके थ्रू आपका लोड ट्रांसफर होगा, तो यहां से लेके यहाँ तक बीम का जो सरिया कॉलम में एनकरेज कर रहा है जिसके थ्रू बीम का लोड आपके कॉलम में ट्रांसफर हो रहा है वो क्या कहलाएगा, ये भी आपका डेवलपमेंट लेंथ कहलाएगा, आपका एलडी। तो ये हमारा डेवलपमेंट लेंथ है एलडी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से चीजें होती हैं। एक आरसीसी मेंबर से दूसरे आरसीसी मेंबर में लोड ट्रांसफर करना है तो जिस लेंथ का हम लोग यूज करेंगे वो क्या कहलाता है, आपका डेवलपमेंट लेंथ यानी आपका एनकरेज लेंथ एलडी। ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग लेंथ के बारे में, कि ओवरलैपिंग लेंथ क्या होती है, जिसको आप लैप लेंथ और आप स्प्लाइसिंग के नाम से भी जानते हैं। तो उसको सिंपल भाषा में समझिए, एक स्टील बार से दूसरे स्टील बार में लोड ट्रांसफर करना है यानी एक सरिया से दूसरे सरिया में लोड ट्रांसफर करना है, तो जिस लेंथ का हम लोग यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका ओवरलैपिंग लेंथ या फिर आपका लैप लेंथ। तो अभी समझ आया डेवलपमेंट लेंथ में हम लोग क्या कर रहे थे, एक आरसीसी मेंबर से दूसरे आरसीसी मेंबर में लोड ट्रांसफर कर रहे थे, जबकि हम लोग ओवरलैपिंग लेंथ में क्या कर रहे हैं, एक सरिया से दूसरे सरिया में लोड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं, लैप लेंथ बोल रहे हैं। कैसे होता है आइए मैं आपको बताता हूं। जो आपका डेवलपमेंट लेंथ है उसका कॉन्सेप्ट कब यूज हो रहा है, जब हम लोग स्लैब से बीम में लोड ट्रांसफर कर रहे हैं, बीम से कॉलम में लोड ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर कॉलम से फुटिंग में लोड ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन लैप लेंथ का कॉन्सेप्ट कहां पे यूज होता है, जो आपका ओवरलैपिंग लेंथ है उसका कॉन्सेप्ट यूज होता है जब आपका कटिंग लेंथ 12 मीटर से ऊपर जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको क्या बोला कि लैप लेंथ हम लोग कब यूज करेंगे, जब आपका जो कटिंग लेंथ है वो क्या आपका 12 मीटर से ऊपर जा रहा है। मार्केट में जो सरिया आता है वो हमारा कितने मीटर का आता है, 12 मीटर का आता है, स्टैंडर्ड है।
तो स्टैंडर्ड आप देखेंगे 12 मीटर या फिर आपका 40 फीट का रीइंफोर्समेंट अवेलेबल होता है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यदि आपका कटिंग लेंथ 12 मीटर से ज़्यादा हो गया तो उस केस में फिर आपको ओवरलैप लेंथ देखने को मिलता है, या फिर आप देखेंगे कि जो आपका कॉलम होता है तो कॉलम में हम लोग ईच फ्लोर में आपका लैप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। स्पेशली अगर हम कॉलम के केस की बात करें तो कॉलम में क्या होता है, हम लोग ईच फ्लोर में एक लैप प्रोवाइड करते हैं, ईच फ्लोर में आपको एक लैप देखने को मिलता है। जैसे हम लोग फाउंडेशन से जो सरिया लेके आए उसको ग्राउंड फ्लोर में हम लोग लैप कर रहे होते हैं, ग्राउंड फ्लोर से जो सरिया आएगा वो आपका फर्स्ट फ्लोर में लैप हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर से जो सरिया आएगा वो आपका सेकेंड फ्लोर में जाकर लैप हो रहा होता है। हम कॉलम का सरिया एक बार में साइड पर पूरा खड़ा नहीं कर सकते हैं, हम पता चले कि 4 माले का बिल्डिंग बना रहे हैं, 5 माले का बिल्डिंग बना रहे हैं, तो फाउंडेशन से लेकर ऊपर तक 5 माले का सरिया एक साथ नहीं खड़ा कर सकते, वो ऐसे झूल जाएगा लोड की वजह से। तो हर फ्लोर में हम वहां पे लैप मार रहे होते हैं। तो आप देखेंगे ओवरलैपिंग के दो कॉन्सेप्ट हैं, यदि आपका कटिंग लेंथ 12 मीटर से ज्यादा जा रहा है तो वहां पे आपको ओवरलैप देखने को मिलेगा, या फिर आप कॉलम में देखेंगे तो वहां पे आपको हर फ्लोर में आपको लैप लेंथ देना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यदि आपका कटिंग लेंथ कितना है, कटिंग लेंथ आपका 34 मीटर है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका जो कटिंग लेंथ है वो कितना आया, 34 मीटर आया। अब 34 मीटर आया तो इसमें कितना लैप आएगा, ये कैसे निकालेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ लैप आएंगे, तो मैं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लैप का भी फॉर्मूला बता देता हूँ कि नंबर ऑफ लैप कैसे निकालते हैं, कि कितना आपका लैप आएगा। तो नंबर ऑफ लैप निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपका जो कटिंग लेंथ आया है उस कटिंग लेंथ को आपको 12 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि मार्केट में जो सरिया आता है वो स्टैंडर्ड 12 मीटर का होता है। इसके बाद आपका जो भी आएगा, ठीक है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कुछ एक्स पॉइंट बाई जेड आया, तो हमें डेसिमल के पहले का डिजिट कंसीडर करना है, उतने ही आपके नंबर ऑफ लैप होंगे। तो इसमें आपका नंबर ऑफ लैप कितना हो जाएगा, एक्स। तो नंबर ऑफ लैप कैसे निकालेंगे, कटिंग लेंथ को 12 से डिवाइड करना है, डेसिमल के पहले जो डिजिट आएगा वो कितना हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ लैप कहलाएगा। जैसे यदि हमारा कटिंग लेंथ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपने सारी कैलकुलेशन की और आपका कटिंग लेंथ कितना आया, 34 मीटर आया, तो आप 34 मीटर को आप 12 से डिवाइड करिए तो ये कितना आएगा, ये आपका 2 point something कुछ आएगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, तो ये आपका 2 point कुछ 22 आएगा। तो इसमें आपके नंबर ऑफ लैप कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसमें आपके 2 लैप आएंगे इस तरह से, इसमें कितने लैप आएंगे, 2 लैप आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आएंगे 2 लैप। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारा 34 मीटर का ये कटिंग लेंथ है और इसमें हम लोग कितने लैप दे रहे हैं, 2, जो कि अभी हमने फॉर्मूले से निकाले हैं। तो जैसे हमने ये 12 मीटर का सरिया दे दिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक 12 मीटर का सरिया दे दिया, ठीक है ना, उसके बाद हमने इसमें एक ये 12 मीटर का सरिया डाल दिया, तो ये कितना हो गया, 12 और 12 आपका 24 हो गया, 10 मीटर और बच रहा है, तो हमने ये 10 मीटर का एक सरिया और डाल दिया। ये तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके 2 लैप आ रहे हैं, दिख रहा है, एक आपका लैप ये है, ये आपका फर्स्ट लैप है और ये आपका सेकेंड लैप है, तो ये आपका कवर हो गया है। ये हमने 12 मीटर का एक सरिया ये डाला और 12 मीटर का एक सरिया ये डाला और ये 10 मीटर का ये डाला, तो 12 और 12 24 और 10 आपका 34। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने किस तरह से फॉर्मूले से निकाला कि इसमें आपके 2 लैप आएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट यूज करके आप का जो राफ्ट फाउंडेशन होता है, जो बड़ी बड़ी राफ्ट होती हैं, या फिर जो आपकी बीम्स होती हैं, या फिर जो आपका स्लैब वगैरह आता है, वहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कॉलम में तो हर फ्लोर में आपका लैप आना है, पूरे बिल्डिंग में क्या होता है, फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन में आपका राफ्ट आ रहा है, आपका पाइल आ रहा है, तो वहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। और कॉलम में तो हर फ्लोर में आपको लैप देना है, मैंने आपको बताया ये, बीम और स्लैब में आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा 2 लैप आ रहा है, जो कि हमने फॉर्मूले से यहाँ पे निकाला है। तो एक लैप आपको ये चाहिए, ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आपका ये सरिया, ये पहला लैप लेंथ है, ये आपका फर्स्ट लैप लेंथ है और ये आपका ये वाला लैप लेंथ है। तो यहाँ पर आपकी 2 लैप आ रही हैं, बस समझ में आ रही। अब ये जो आपका लैप आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कितना आया, 2 लैप आया है, जो कि हमने फॉर्मूले से निकाला है। अब ये जो लैप लेंथ आया है उसका कॉन्सेप्ट क्या बताया था, कि लैप लेंथ से क्या हो रहा है, एक सरिये से दूसरे सरिये में लोड ट्रांसफर हो रहा है। तो यही हमारा लैप लेंथ काम कर रहा है, एक सरिये से दूसरे सरिये में लोड ट्रांसफर कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे लैप निकल के आया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लैप कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब इसका जो कटिंग लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, अब इसका जो कटिंग लेंथ होगा वो आपका 34 मीटर प्लस आपका 2 times ऑफ लैप लेंथ, क्योंकि 2 लैप आ रहे हैं हमारे, तो 2 times ऑफ आपका लैप लेंथ, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं आपका ओवरलैप, 2 times ऑफ ओवरलैप। तो ये आपका कटिंग लेंथ आएगा, 2 लैप आ रहे हैं तो हमने डाल दिया। तो इस तरह से आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, 34 मीटर है ये आपका, 2 लैप आ रहे हैं तो 2 times ऑफ आपका ओवरलैपिंग लेंथ। अभी भी मुद्दा बना हुआ है कि जो आपका लैप लेंथ है वो कितना होगा, लैप लेंथ कितना होगा, जो आपका लैप लेंथ है वो डिपेंड करता है आपकी डेवलपर लेंथ के ऊपर, आपकी
एनकरेज लेंथ के ऊपर, और जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो आपका डेवलपमेंट लेंथ है यानी जो आपकी एनकरेज लेंथ है, जो आपकी एलडी है, वो आपके दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर ये है आपका ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और दूसरा फैक्टर है आपका ग्रेड ऑफ स्टील। तो जो आपका डेवलपमेंट लेंथ है वो आपके दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहला फैक्टर है आपका ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और दूसरा फैक्टर है आपका ग्रेड ऑफ स्टील। तो जो आपकी डेवलपर लेंथ है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे जैसे हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी डेवलपर लेंथ कम हो जाएगी। मीन्स आपका ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बढ़ रहा है, मीन्स कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कॉन्क्रीट की सरिया के ऊपर पकड़ बढ़ रही है, तो हम लोग वहाँ पर डेवलपर लेंथ कम कर सकते हैं। उसी तरह से जस्ट आपका वाइस वर्सा है, यदि आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट कम होगा तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होगी, कंक्रीट की सरिया के ऊपर पकड़ कम हो जाएगी, तो यदि आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट कम करोगे तो फिर आपको डेवलपर लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेवलपर लेंथ। तो जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा डेवलपर लेंथ आपका कम हो रहा होगा। अब कितना कम होगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे होंगी, वो हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। एक सेशन में आपको सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ। यदि आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएं कि जो आपकी डेवलपर लेंथ होती है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं आईएस कोड के अकॉर्डिंग, आईएस 456 के अकॉर्डिंग, मैं आपको करके दिखाऊं कि किस तरह से ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बढ़ेगा तो आपकी डेवलपर लेंथ आपकी कम होगी। यदि आपका ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कम होगा तो आपका डेवलपर लेंथ बढ़ेगा। अगर आप इस प्रोसेस को सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो आने वाले सेशंस में मैं आपको इसका पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, पूरा आईएस कोड से आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, और आपके जो भी मिथ हैं कि जो आपकी डेवलपर लेंथ है वो 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर है और 60 टाइम्स ऑफ डायमीटर है, वो सारे मिथ आपके टूट रहे होंगे। बस आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो आने वाले सेशंस में आप इसका डिटेल वीडियो देख रहे होंगे। और आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारा एप्लीकेशन रीइंफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि वहां पर बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज, मेट्रो, वाटर टैंक और जो आपके प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपको डेडिकेटेड कोर्स मिल जाएंगे, जिसको सीख के आप अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। और हाँ, हम लोग ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं। यदि आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दो नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं कि कब से हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्टली आपके साथ इन्वॉल्व होकर आपको सारी चीज़ें बैठ के सिखा रहे होते हैं। तो आप एक बार इंक्वायरी करिए कि नए बैचेस हमारे ऑफलाइन में कब से स्टार्ट हो रहे हैं। और बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।